जय सियाराम माता जी। जय सियाराम बेटा। माँ, मैंने आज आपसे सुना है कि भागवत को 5101 साल पूरे हो गए, जी उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताए ना। मतलब क्या बताएं, 24 अवतार रूपी कथा है भागवत में, 18,000 श्लोक है। अंतिम व्यास भगवान वेदव्यास, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन था, और सत्यवती पुत्र पराशर और सत्यवती के प्रेम में से जिसकी उत्पत्ति हुई है, कि भगवान वेदव्यास ने भागवत लिखा है। और क्या आपको सुनना है? उसके बारे में थोड़ी सी कथा विस्तार में बताएं मेरे को। कथा विस्तार करने के लिए तो बेटा एक जन्म पूरा हो जाएगा, तो भी पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ, मैं इतना कहूँगी कि भागवत का जो मूल मूल रस है वो भक्ति रस है। क्या है? भक्ति है। भक्ति रस जो मूल रस है वो भक्ति भाव पूर्ण एक ग्रंथ है। भगवान वेदव्यास को जब ज्ञान के सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी शांति नहीं मिली, तो नारद जी ने कहा कि भक्ति भाव पूर्ण ग्रंथ लिखो, तब जाके आपके दिल को तसल्ली होगी। तब भगवान वेदव्यास ने कलम उठाई और भागवत की रचना की। तो उसका जो मूल रस है, भागवत का मूल रस क्या है? भक्ति रस, भक्ति याद रस। रखना ये भक्ति रस, ठीक है। और ये भक्ति और प्रेम, प्रेम की जो पराकाष्ठा है, प्रेम का जो सर्वोच्च रूप है, प्रेम का जो परिशुद्ध स्वरूप है, बस वो है भक्ति। लौकिक प्रेम की बात नहीं, आप तो ये तो समझ गए होंगे कि लौकिक में हाँ से धीरे 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 अलौकिक तक जो पहुंच जाता है। तो इसके बारे में मैं मेरा एक भजन सुनाऊंगी, मैंने ही लिखा है, मैंने ही कंपोज किया, और मैं ही गाती हूँ। हम कहाँ उधार के कलाकारों को लेने जाएंगे, जिन कलाकार को प्रेम होगा वो गाएंगे और खुश होंगे। तो मैं भी आपको सुनाऊंगी, मालकांश में कंपोज किया है मैंने। ढोलक वीणा मधुर संग बांसुरी के सुर, ढोलक वीणा मधुर संग बांसुरी के सुर, तान में ही चूर भरे जोबन भरपूर, गोपी कान। समझ ले, कितना समझेंगे आप पता नहीं, लेकिन विस्तार करने बैठेंगे तो सुबह हो जाएगी, ठीक है। फिर से एक बार जो बिगिनिंग है, ढोलक वीणा मधुर संग बांसुरी के सुर, तान में ही चूर भरे जोबन भरपूर, गोपी कान। सोहे अभिराम श्याम बाह में है वाम वाम, इसमें यमक अलंकार है, श्रेष अलंकार है, वर्णानुप्रास है, अर्थानुप्रास है। जो आपको इसमें से निकालना हो पंडितों को, वो तो जितनी गहराई में जाएंगे उतनी चीज़ें आपको इसमें से मिलेगी। सोहे अभिराम श्याम बाग में है वाम वाम, भूले अर्थ धर्म काम खेले घनश्याम। मोक्ष स्वरूप तो स्वयं है ही कृष्ण। सोहे अभिराम श्याम बाग में है वाम वाम, भूले वाम यानी लेफ्ट और वाम यानी नारी, और वाम दिल भी जरा सा लटके है लेफ्ट में। सोहे अभिराम श्याम बाग में है वाम वाम, भूले अर्थ धर्म काम खेले घनश्याम। ग्वाल बाल ख्याल भूली, बाछर गोग्राम भूली, धरा धाम ठाम भूली, जोवन भरपूर, गोपी कान। जब तप व्रत योग नाही, प्रेम में कोई जरूरत नहीं है अगर सच्चे दिल से आप प्यार करते हैं तो। जब तप व्रत जोग नाही, योग ऐल फैल नाही, प्रेम में को नेम नाही, रीजत है राम। सारे नियम जहाँ पूरे हो जाते वहाँ से प्रेम की हद शुरू होती। जब तप व्रत जोग नाही, योग ऐल फैल नाही, प्रेम में को नेम नाही, रीजत है राम। तन के तंबूर लिए, शरीर का तान पूरा है एक तारा है, तन के तंबूर लिए, मन के मंजीर लिए, सांसों के सुर लिए, जोबन भरपूर, गोपी कान। जात पात नात मिट्यो, ये इश्क की बात है। जात पात नात मिट्यो, ऊंच नीच खेद मिट्यो, नर नारी भेद मिट्यो, पायो विश्राम। जात पात नात मिटो, ऊंच नीच
खेद मिटो नर नारी भेद मिटो पायो विश्राम। कृष्ण गोपी रूप भयो, भगवान गोपी रूप बन गए। कृष्ण गोपी रूप भयो अगुण सगुण एक भयो, मोहिनी आनंद भयो चौवन भरपूर गोपी कान। मोहिनी आनंद भयो जोवन भरपूर गोपी कान। मोहिनी मेरा तकल्लु से, मेरी माँ मुझे मोहिनी कह के बुलाया करती थी। मोहिनी आनंद भयो जोवन भरपूर गोपी कान। और सबसे पहले श्लोक में भगवान वेदव्यास ने कहा, मैं कृष्ण को वंदन करता हूँ तो सच्चिदानंद रूप आ गया। सत्य चित और आनंद रूप जो विश्वोत्पत्ति आदि हेतु है तापक त्रय विनाशाय। फिर सर खुद लाने लगेंगे ना आप, या कहाँ से अरबी आ गया, उर्दू आ गया, ठीक है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे कृष्ण को नमस्कार प्रणाम।